नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष ने किया चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ। उनकी योजनाएं आज लोगों के जीवन को बेहतर बना रही हैं। एक वैभवशाली, समृद्धशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माता, जिनके बिना आप दुनिया नहीं चल सकती, भारत को कोई अनदेखा नहीं कर सकता। ऐसे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वे दीर्घायु हो और देश उनके नेतृत्व में विकास के पथ पर बढ़ता रहे। मोदी जी के जन्मदिन पर हमारी यही कामना है। ये बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। मुख्य कार्यक्रम पार्टी के प्रदेश कार्यालय शिवराज सिंह चौहान एवं संगठन महामंत्री सुहास भगत ने, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा, श्रीमती सीमा सिंह, पंकज जोशी, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल, राहुल कोठारी, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के साथ प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कटनी में प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और प्रदेश कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय भी इस कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने किया। प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, मोदी जी ने सुधारा लोगों का जीवन स्तर। प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल आदि ने किया। भोपाल संभाग ब्यूरो, दीपक बर्थे की रिपोर्ट।